देखते रहिए यूबीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, गुना में 8 मजदूरों की जान जाना दुखद खबर है। यूपी सरकार मजदूरों के परिवारों को 2 लाख की सहायता राशि दे रही है। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। इसको देख के कई चीजें आगे सरक रही, उसमें से ये भी आज एक दुखद हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया। अभी वर्तमान में हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं, उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ठीक है, जिसमें जो माननीय मंत्रिमंडल सदस्यों की समिति बनाई है समूह, उसकी एक बैठक बल्लभ भवन में 11:30 बजे है, जिसमें आय सरकार की और बढ़ाने जैसे बिंदुओं पर विचार होगा। इंदौर में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 96 तक पहुंच चुका है, क्या वजह मांग रहा है, क्या वहाँ वेंटिलेटर तमाम चीजें? हमारे पास में पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त आइसोलेटेड वार्ड है, पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर है, पर्याप्त पीपीई की किट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां हमें जरूरत है वहां अभी भी हमारे अनेक बेड खाली है, चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन। चूंकि ये इंदौर में जब जमाती आए थे तो यही बस्तियों में चले गए थे, निचली बस्तियों में चले गए। मेरी स्वयं की मान्यता तो ये आज भी है, जो पहले मैंने कहा वो अभी दोहराता हूं, कि 3 दिन के अंदर जो भी कोरोना का पेशेंट अस्पताल पहुंचता है उसकी निधन, दुखद निधन की संभावना मुश्किल से 2-4% रहती है, 95% वो ठीक होते ही। जो 5% है उसमें भी वो लोग हैं जो 65-70 से ऊपर होते हैं, अथवा उन्हें अस्थमेटिक कोई रोग होता है, कार्डिक हार्ट से संबंधित कोई रोग होता है, डायबिटीज से संबंधित, उन पर वो प्रभाव डालता है। कोरोना आम आदमी पर, स्वस्थ व्यक्ति पर ये प्रभाव, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनकी रोग रोधक क्षमता अच्छी है, उस पर इसका प्रभाव जुकाम खांसी की तरह ही होता है। जहां तक आप बात कोरोना की कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आज दोहरा रहा हूं कि इसको लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा। हमको इसकी सावधानियों के साथ, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानियों की जरूरत है। हम कोरोना के पेशेंट से भी कभी कभी दूरियां बनाते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा नहीं। सावधानियों के साथ हम उनके पास रह सकते हैं, हम किट पहन के रह सकते हैं, बाकी चीजें पहन के रह सकते हैं, इतना उसको अछूत मान लेते हैं ये अच्छा नहीं। और जो लोग ठीक होके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में ठीक होने का रेशो सबसे अच्छा है, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, 50% के लगभग आ गए जिसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि हमारे पास इलाज के और उसके सारे के सारे इंतजाम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। पेरोल का समय जो पहला सवाल पूछा था, 60 से 120 दिन किया गया है। बेल जो बेचारा दीन है उसको भी 45 दिन से 90 दिन किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।